सांसद वीरेंद्र कुमार एवं भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने 50 जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट और मास्क के अलावा सैनिटाइजर वितरित किए हैं। भोजन पैकेट में एक परिवार के लिए 5 दिनों का राशन और भोजन दिया गया है। इस दौरान सांसद वीरेंद्र खटीक ने कहा कि हमारे भाजपा नेता, भाजपा युवा मोर्चा, जिलाध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारी कोशिश हर जरूरतमंद तक जरूरत की सामग्री पहुंचाना है। साथ ही भाजपा के कई कार्यकर्ता इस दौरान मौके पर उपस्थित थे। वैक्सीनेशन सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। तो ऐसे वो पहचान करके कई स्थान पर ये देखने में आता है कि वो परिवार में एक बुजुर्ग दंपति है, कोई बेटा नहीं है और वो संकोच किसी से कह नहीं पाते। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके, पहचान करके उन तक भी जो है खाद्यान्न पहुँचाए जाने की और योजना बनाई जाएगी। राजेंद्र तिवारी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण आज इस अभियान में यहाँ पर शामिल हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस योजना को अनवरत रूप से ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाए जाने के लिए ये कार्य निरंतर चलता है। देखिए, जब से कोविड का माहौल है इसमें बहुत जनहानि हुई है। आज कुछ समय से राहत होने के बाद जो जरूरतमंद लोग आज घरों में हैं, वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता पूरे जिले में, सांसद जी भी पूरे जिले में एक एक कोविड सेंटर का और वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया, जो बन पड़ा सांसद जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और आज भी सांसद जी के कहने से, उनकी सोच से आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए। और जो राशन सामग्री है हम लोगों ने आज शुरुआत की और सांसद जी ने इसका प्रारंभ करते हुए आज करीब 50 लोगों को यहाँ से राशन सामग्री वितरित की है, जो जरूरतमंद व्यक्ति है। तो हम लोगों ने ऐसा सोच बनाया, खासकर हमने, कि हम इस कार्यक्रम को कुछ आगे तक चलाते रहें। जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं हम केवल उन्हीं को जिस सामग्री उनके घर जाएं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद जी के द्वारा जो अभी नियुक्त टीम हो रही है, जो कार्य करेगी क्राइसिस टीम के रूप में, वो जाके जरूरतमंद लोगों को नगर में और इस पूरे आसपास के बड़े बड़े छोटे छोटे अंतिम छोड़ के गांव तक पहुंच के ये सामग्री जरूरतमंद लोगों को पहुंचे, जिससे कि वो अपनी जीवन रक्षा हेतु लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन के पालन करते समय वो अपनी भोजन व्यवस्था से परेशान ना रहें। एक सामग्री जो हमने आज यहाँ पैकेट के रूप में बनाई है, उसमें लगभग 5-6 दिन का एक परिवार के लिए भोजन व्यवस्था का कार्यक्रम है। उसमें जरूरत की सभी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, जैसे उसमें मास्क है, उसमें साबुन है, उसमें सैनिटाइजर के लिए भी हमने छोटी सी शीशी बनाई है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, पोहा भी दिया है हमने, आलू की सब्जी, प्याज भी दिए हैं, पूरे मसाले दिए हैं, आटा भी है उसमें, हर प्रकार की जरूरत की माने जो आवश्यक भोजन से संबंधित चीज़ें हम सब उसमें उपलब्ध कराए। और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन जो इकट्ठे हुए हैं, आज सभी ने सांसद जी के नेतृत्व में यह कोशिश करने का वादा यहाँ पर किया है कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ग्रामीण जन तक पहुँचकर जरूरतमंद लोगों को जिस सामग्री अगले दिनों तक हमारे पास उतनी उपलब्धता है कि हम लगभग 15-20 दिन तक, जब तक ये लॉकडाउन है और जनमानस में बिल्कुल शांति का माहौल नहीं, तब तक के लिए
हम ये कार्य जारी रखेंगे आदरणीय सांसद जी को मिलकर। ठीक है।